हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण और फिर से आपका स्वागत है वरुण ब्लॉग्स के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की VXi वेरिएंट के बारे में। पेट्रोल इंजन में हमारे साथ है और मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल कर आती है। जानेंगे इसे कंप्लीट फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम खड़े हैं स्पर्श ऑटोमोबाइल से। सो अगर आप दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ के कहीं एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट डील्स ऑन योर मारुति कार। तो आज जानेंगे इसके कंप्लीट फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में, क्या यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है मारुति अपनी ब्रेज़ा VXi वेरिएंट में। मिड साइज सेगमेंट में आती है और ये हमारे साथ कैंडी वाइट कलर है। यहाँ पे आपको ब्लू, वाइट, रेड, ग्रे, सिल्वर और एक ब्रेव खाकी कलर जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको ब्लैक ऑप्शन जो है वो भी आपको देखने को मिलते हैं ब्रेज़ा के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं बता दूँ, कुछ खास जो ऑफर्स हैं, फेस्टिव ऑफर्स और जो भी ऑफर्स रहेंगे वो सारे इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक सेल्स एसोसिएट के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से सारे वीडियो के पार्ट्स को एंजॉय कीजिएगा। सो चलिए बात करते हैं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की VXi वेरिएंट के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट निकल कर आ रही है ये। सबसे पहले प्राइस की बात कर ले तो 9,69,442 रुपीज़ इसकी एक शोरूम प्राइस है। एंड इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी कुछ आपको ऑफर होते हुए मिल जाता है। एंड अगर आप एक अच्छी SUV, मिड साइज SUV की तलाश में जो रिलायबल हो और बजट फ्रेंडली हो, तो मारुति सुजुकी ब्रेज़ा VXi वेरिएंट परफेक्ट चॉइस हो सकता है आपके लिए। ये ब्रेज़ा का सेकेंड बेस मॉडल है, लेकिन इसकी इंटीरियर और एक्सटीरियर को देखकर आपको फीलिंग नहीं आएगी। इसके प्रीमियम फीचर और ज़बरदस्त लुक आपको इम्प्रेस कर देंगे। सबसे पहले बात कर ले इसकी फ्रंट यूनिट की, तो यहाँ पे आपको जो क्रोम एलिमेंट्स हैं वो ग्रिल एरिया में कम्प्लीटली देखने को मिल जाती है, जिसके वजह से इसके एक्सटीरियर लुक जो है वो काफ़ी इन्हांस हो जाते हैं और कम्प्लीटली गाड़ी की जो लुक है ओवरऑल उसको एम्प्लीफाई कर देती है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हैलोजन सेटअप जो है, बाई हैलोजन सेटअप, वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, अंदर क्रोम एलिमेंट्स है वो मिल जाते हैं और थोड़ा सा स्मोकी जो इफेक्ट है वो आपको अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसके टर्निंग लाइट्स और यहाँ पे आपके जो पार्किंग लाइट्स रहते हैं वो आपको प्लेस मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे फॉग लैंप्स नहीं दिया गया है, पर यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से इंस्टॉल यहाँ पे फॉग लैंप्स को करवा सकते हैं। सामने सुजुकी का लोगो मिलता है और इस तरह का आपको ग्लॉसी ग्रे फिनिश जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्रंट बम्पर्स की बात कर ले तो कुछ इस तरह का बम्पर डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। मैट फिनिश रगड़ बम्पर्स जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको ऑफर होते हुए मिलता है। कुछ फ्रंट अप्रोच एंगल इतना आपको देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ व्हील आर्चेस आपको प्रेजेंट मिलते हैं कम्प्लीटली। डोर्स पे भी ध्यान दें तो डोर्स क्लैडिंग जो है, डोर्स के आर्चेस रहते हैं वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए। सो इससे जो स्क्रैचेस के चांसेस रहते हैं काफ़ी कम रहते हैं। नीचे बात कर ले, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के टायर्स मिलने वाले हैं एंड यहाँ पे आपको व्हील कैप्स जो हैं वो इंस्टॉल मिलते हैं। और अगर आप LXi वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये व्हील कैप्स आपको नहीं मिलेंगे। VXi वेरिएंट से ये व्हील कैप्स मिलने आपको शुरू होते हैं। यहाँ पे आपको स्टील रिम्स मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे MRF के वेंडर टायर्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात कर ले तो 215/60 16 इंच की रिम साइज़ आपको यहाँ मिलती है। सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है और सस्पेंशन ट्रैवल कुछ इतना यहाँ पे आपको देखने को मिल पाएगा। अंडर बॉडी प्रोफाइल देख ले तो कुछ इस तरह के आपको यहाँ पे अंदर की तरफ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। बोनट्स में कुछ कट्स एंड क्रीसेस जो हैं वो आपको प्रेजेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs जो हैं वो बॉडी कलर यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स आपको ORVM में माउंटेड मिल जाते हैं। यहाँ वाइपर्स आपको मिलते हैं और कुछ इस तरह की कंप्लीट इसकी जो प्रोफाइल है वो देखने को मिलेगी। वॉशर आपको यहाँ प्रेजेंट मिल जाता है। साइड की तरफ आए तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के डोर हैंडल्स जो हैं वो मिलते हैं। टासिक क्लियर एंट्री नहीं मिलती, बट यहाँ की इंसर्ट एरिया जो है वो देखने को मिलेगा। ये सन वाइज़र जो लगे हुए हैं, विंडो वाइज़र्स, ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी है, इसे आप इंस्टॉल करा सकते हैं, पर स्टॉक कार में ये आपको नहीं मिलने वाली हैं। बात कर ले पीछे की तरफ, सो इस तरह कंप्लीट आपको ब्लैक में इसके पिलर्स मिल जाते हैं। कंप्लीट पिलर्स की आप प्रोफाइल देख ले तो कुछ इस तरह की आने वाली है। विंडो साइज़ अच्छा आपको मिलता है। यहाँ पर ऊपर मिलता है शार्क फिन एंटेना जो एक अच्छा फीचर है इसके अंदर, और यहाँ पे स्कॉलर टाइप डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलता है, तो गाड़ी के लुक को और ज़्यादा एम्प्लीफाई करता है और स्पोर्टी लगती है कार। एंड ये मिड साइज़ SUV है और कम्प्लीटली अगर मैं इसके टेल लैम्प सेक्शन की बात कर लूँ, कम्प्लीट LED जो प्रोफाइल है वो आपको देखने को मिलने वाली है। मैं एक बार आपको अंदर से लाइट्स ऑन करके दिखा दूँ। सो कुछ इस तरह की कंप्लीट LED जो यूनिट है वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और ब्रेज़ा की एक ही खास बात है जो मारुति ऑफर कर रही है ब्रेज़ा के अंदर, आपको बेस वेरिएंट से ही ये जो LED सेटअप है ये आपको देखने को मिल जाता है टेल सेक्शन में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स की जो प्लेसिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग लाइट्स मिलते हैं। यहाँ पे ब्रेज़ा की बैजिंग जो है वो की गई है क्रोम के अंदर और सुजुकी का जो लोगो है वो यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है। यहाँ पे डिफॉगर्स आपको प्रेजेंट मिलते हैं जो कि अच्छी बात है, लेकिन रियर वाइपर्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स मिल जाते हैं। और नीचे की बात कर ले तो यहाँ आपको दो नंबर प्लेट लाइट्स जो हैं
वो प्रेजेंट मिल जाती है। पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जाते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको कैमरा देखने को नहीं मिलेगा, बट चार पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। और कैमरा आप शोरूम से इंस्टॉल करा सकते हैं, या बाहर की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इंस्टॉल करा सकते हैं। ये पार्ट जो देख रहे हैं ये एज़ अ पार्ट ऑफ एसरी इसमें इंस्टॉल किया गया है। ये शोरूम की शोकेस कार है, तो उसको आपको एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे कुछ एसरीज आते हैं ब्रेज़ा के, उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। पीछे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं इस तरह के, नीचे आपको टू हुक एरिया है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पर आपको मिलती है इसी कंपनी साइलेंसर यूनिट, कुछ इस तरह की साइलेंसर यूनिट आपको ऑफर की जाती है। और ये इसकी कंप्लीट अंडर बॉडी प्रोफाइल, टेल सेक्शन से इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है, एंड एक अच्छा मैसिव लुक और अच्छा स्पेस जो है वो आपको ऑफर करती है। VXI वेरिएंट में आपको स्पेशियस केबिन मिल जाता है, कंफर्टेबल सीटिंग मिलती है, जिससे लॉन्ग ड्राइव में भी आपकी जर्नी हासिल फ्री होती है। साथ ही इसके पार्ट्स मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं, तो मेंटेनेंस का कोई एक्स्ट्रा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो एक कंप्लीट आपको स्मूथ एक्सपीरियंस जो है वो ब्रेज़ा के अंदर मिलने वाला है। साथ ही आपको मारुति की जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी अच्छी मिलती है, और जो सर्विस नेटवर्क है वो भी यहाँ पे आपको अच्छी देखने को मिलती है। सो सर्विस और कस्टमर एक्सपीरियंस में आपको किसी भी तरह का जो परेशानी है वो फेस नहीं करना पड़ता है। कंप्लीट अगर हम लुक की बात कर ले तो कुछ इस तरह की कंप्लीट लुक इसकी निकल कर आने वाली है। लेंथ की मैं बात बता दूँ तो 3.9 मीटर की कंप्लीट लेंथ है, अंडर 4 मीटर के अंदर आती है ये मारुति ब्रेज़ा, क्योंकि मिड साइज SUV है। और विड्थ की बात करें तो 1.7 मीटर से कंप्लीट विड्थ है, एंड 1.6 मीटर इसकी हाइट है, और ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 198 मिलीमीटर्स का आपको यहाँ मिल जाता है। बात कर ले इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 48 लीटर्स की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है मारुति ब्रेज़ा। और बात करते हैं इसकी बूट स्पेस के बारे में, सो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं अपनी बूट्स को, और कुछ इतना स्पेस आपको यहाँ पे ऑफर करती है मारुति ब्रेज़ा। काफ़ी अच्छा एक स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है अंदर की तरफ। 328 लीटर्स का जो कंप्लीट बूट स्पेस है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हालांकि पार्शियल ट्रे आपको नहीं मिलेगा, बट आप इसे इंस्टॉल करा सकते हैं अगेन एज अ पार्ट ऑफ एसरी। साइड में कुछ कंपार्टमेंट स्पेस मिल गया आपको, यहाँ पर एक हैंगर हुक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। दूसरी साइड यहाँ पे बस कंपार्टमेंट मिलता है, हुक्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, एंड यहाँ पे आपको स्टील रिम्स अगेन जो है वो देखने को मिलेंगे। सेक्शन में बता दूँ टायर्स की तो 215/60 इंच की स्टील रिम्स जो है वो आपको ऑफर होते हुए मिल जाती है। और कंप्लीट अगर आप एक बूट स्पेस देखिएगा तो कुछ इतना बूट स्पेस है वो आपको ऑफर होते हुए मिलने वाला है इस मारुति ब्रेज़ा के अंदर में। एक अच्छा बूट स्पेस और एक अच्छा केबिन स्पेस है वो मिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस मारुति ब्रेज़ा के अंदर। बात कर लेते हैं इसके सेकेंड रो सीट्स के बारे में, लास्ट रो सीट्स के बारे में। सो शुरू करते हैं इसके डोर पैनल डिज़ाइन से। सो कुछ इस तरह के आपको डोर पैनल डिज़ाइन जो है वो आपको देखने को मिलती है एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे कुछ जो वुडन ट्रीटमेंट है उन्हें इंस्टॉल किया गया है, ये कम्प्लीटली वुडन नहीं है, बस फिनिश उस तरह की यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे फैब्रिक मटेरियल जो है उसका यूज़ मिल जाएगा इस कम्प्लीट पार्ट में, और बाकी जगह हार्ड प्लास्टिक का जो यूज़ आपको वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, पावर विंडो कंट्रोल्स, इंटीरियर डोर हैंडल्स, नीचे आपको कुछ स्पीकर्स की जो प्लेसिंग है वो मिल जाती है। टोटल कार में आपको 4 स्पीकर्स की प्लेसिंग मिलती है। यहाँ पे डोर पॉकेट्स आपको मिलते हैं, अच्छे साइज़ के डोर पॉकेट्स मिल जाते हैं। और कंप्लीट इंटीरियर्स की बात करें कुछ इस तरह के इंटीरियर्स देखते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे ये सीट कवर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। काफ़ी सारे एसरीज़ के ऑप्शन है ब्रेज़ा के अंदर में। यहाँ पे दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। अगर हम स्टॉक कार की सीट की बात करें तो वहाँ पे आपको फैब्रिक सीट्स मिलते हैं। यहाँ पे सीट्स कवर जो हैं वो कंपनी के थ्रू इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ड्राइवर साइड सीट्स मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट हैं। और बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की स्पेस के बारे, सो कुछ इतनी स्पेस मुझे मिल रही है अगर मैं पीछे की तरफ बैठूँ। मेरी हाइट 5'8" है और ड्राइवर सीट्स मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट हैं, तो मेरे पास लगभग इतना कुछ स्पेस जो बच रहा है। एक अच्छा लेग रूम ऑफर होते हुए मिलता है यहाँ पे। और कंप्लीट अगर मैं स्ट्रेच आउट कर लूँ अपने लेग्स को तो कुछ इतना स्पेस मेरे पास अच्छे तरीके से रहता है। एक अच्छा थाई सपोर्ट भी मिल जाता है, और अगर मैं नॉर्मल पोस्चर में बैठूँ तो कुछ इस तरह की जो अंदर थाई सपोर्ट है वो मुझे देखने को मिलती है। और ये कुछ पार्ट्स हैं जो एज अ पार्ट ऑफ एसरी कंपनी ने एग्जाम्पल के तौर पर लगा रखा है। सो आपको जस्ट शो करने के लिए, कस्टमर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स जो हैं उनकी प्लेसिंग मिल जाती है, हुक्स मिल जाते हैं। सेंटर में एक आपको जो केबिन लैंप है वो प्रोवाइड कर दी गई है आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी। यहाँ पे आपको अगेन एक हैंडरेस्ट मिलता है, ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, और यहाँ पे कोट हुक जो है वो प्रोवाइड कर दी गई है। पीछे की तरफ आपको मिलती है दो रियर एसी वेंट्स, यहाँ पे आपको वेंट्स हो फ्लो को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको कुछ फेक डमी बटन जो है वो देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ स्पेस जो है वो यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया है। नीचे आपको सेंटर हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके वजह से सेंटर पैसेंजर को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है पैर रखने के मामले में। एनीवेज बात करें कुछ इस तरह की कंप्लीट इसकी केबिन व्यू मिलती है रियर साइड डोर से, और
यहाँ पे आपको मिलता है एक स्पेस जिसमें आप कुछ भी अपने सामान को स्टोर कर सकते हैं। सो विड वाइज बात कर ले सो गाड़ी में एक अच्छा विड मिल जाता है जिससे 3 एडल्ट्स बैठ सकते हैं, उतने कंफर्टेबली नहीं बट एडजस्ट होकर बैठ सकते हैं। साथ ही अगर 2 एडल्ट्स और एक ऑक्यूपेंट्स हैं तो कंफर्टेबली इसमें लॉन्ग ट्रैवल जो है वो कर सकते हैं। बाकी स्पेस आपको कम्प्लीटली एक अच्छा मिलता है, अच्छा हेडरूम, अच्छा लेग रूम यहाँ ऑफर होते हुए मिल जाता है। बात कर ले इसके ड्राइवर डोर्स की, तो शुरू करते हैं इसके डोर पैनल डिज़ाइन से। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो डाउन फंक्शन के साथ आती है इसकी ड्राइवर विंडो। यहाँ पे आपको ORVM के एडजस्टमेंट मिल जाते हैं और इस बटन से आप अपनी ORVM को क्लोज या अनफोल्ड या फोल्ड कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे डोर पॉकेट्स मिलते हैं, स्पीकर्स की प्लेसिंग मिलती है, कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे फिनिशिंग मिलती है। ऑटो डेस्क की प्लेसिंग जो है वो आपको यहाँ होते हुए मिलती है और कुछ इस तरह के कंप्लीट जो इंटीरियर्स हैं वो आपको ब्रेज़ा के अंदर देखने को मिलते हैं। इंटीरियर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, कम्प्लीटली ब्लैक में रखा गया है। रूफ़ आपको बेज फिनिश में दी गई है और साइड पिलर्स अगर आप ध्यान दें सो ये सारे पार्ट्स आपको बेज में जो फिनिश है वो प्रोवाइड कर दी गई है। फ्रंट सीट बेल्ट, लोड लिमिटर और प्रीटेंशनर के साथ आते हैं और कुछ इस तरह की इसकी दिखती है कंप्लीट स्टेयरिंग भी। यहाँ पर आपको मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ बटन, या आपके हेडलैम्प लेवलर्स मिल जाते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं आप अपनी बोनट को और यहाँ से अपनी फ्यूल लिड को, और पेडल्स आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाती है। ड्राइवर साइड सीट्स हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती हैं तो इसके लिए बस आपको यहाँ मिल जाते हैं, अपनी हाइट को ऊपर या नीचे आप कर सकते हैं। साथ ही लंबर सपोर्ट को भी एडजस्ट करने का आपका जो फंक्शन है वो आपको यहाँ मिल जाता है, तो आप अपने बैक सपोर्ट को आगे या पीछे अगेन कर सकते हैं। कीज़ की मैं बात करूँ सो नॉर्मल बेसिक की मिलती है जो हर मारुति कार के साथ आपको देखने को मिली है, और यहाँ पे मारुति की लोगो मिल जाती है, लॉक अनलॉक बटन्स मिल जाते हैं। सो सेंट्रल लॉकिंग के साथ आती है, यहाँ पे इसका फीचर आपको मिल जाता है, कोई स्मार्ट की है वो आपको नहीं मिलती है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का जो फंक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अगेन जो वुडन ट्रीटमेंट जो की गई है एसरी के पार्ट में इंस्टॉल किया गया है वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और सिल्वर गार्निश जो फिनिश है वो यहाँ मिलती है। यहाँ पे आपको डिफॉगर के वेंट मिल जाते हैं। बात कर ले सो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि एक अच्छा फंक्शन है इस प्राइस पॉइंट के अंदर में, और अगर आपके डोर्स ओपन रहते हैं सो ये बीप बीप साउंड आपको सुनने में मिलने वाली है। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक LED स्क्रीन जो है वो मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हज़ार लैम्प के बटन्स मिल जाते हैं। एंड कम्प्लीट अगर आप ये एसेसरी किट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन को और एम्पलीफाई करी, ज़्यादा अच्छी लग रही है अंदर से इसके इंटीरियर्स इस वुडन ट्रीटमेंट के साथ। सो एक अच्छा पार्ट है अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ये सारे कुछ आप एक्स्ट्रा एसेसरीज जो है उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही सीट में अगर आप ये पार्ट देख रहे होंगे तो ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे आपको मिलती है 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, पेट्रोल कॉस्ट ऑप्शन है, CNG का ऑप्शन है, CNG आपको ऑटोमेटिक CNG आपको LXI वेरिएंट से मिलने शुरू हो जाती है, और अगर आप ऑटोमेटिक में जाना चाहते हैं तो VXI वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक का जो ट्रांसमिशन ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक की प्लेसिंग कर दी गई है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आपको ऑफर होते हुए मिल जाता है। ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको ग्लास है वो प्रोवाइड कर दिया गया, मिरर्स आपको मिल जाते हैं। 4 ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर्स जो है वो प्रेजेंट मिलते हैं, और यहाँ आपको मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVMs वो यहाँ पे प्रेजेंट मिलते हैं। बात कर ले इसके इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की, तो आपको एक डिसेंट साइज़ की जो इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो आपको यहाँ ऑफर होते हुए मिल जाएगी। बात करें इसकी कंप्लीट एनालॉग मीटर की, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में अपनी स्पीडो RPM मीटर मिलती है, राइट साइड में स्पीडो मीटर मिलती है, सेंटर में आपको इस तरह का डिजिटल जो कंसोल है वो देखने को मिल जाता है जो आपको नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले कर देती है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलती है जो आपको नियर बाई फ्यूल स्टेशन को भी आप नेविगेट कर सकते हैं। ये हर मारुति के साथ ये वाली डिस्प्ले आती है, स्मूथ रिस्पॉन्स है, आज सच कुछ लैगी नहीं है। आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एवरेज जो आपकी माइलेज निकाल कर दे रही है वो शो कर सकती है, और बाकी नॉर्मल जो आपको सेटिंग्स है वो यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हैं। व्हीकल अलर्ट्स, लॉक की पैड वाइल ड्राइविंग, स्क्रॉल थ्रू स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स, सिक्योरिटी, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल्स को। सो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग मॉनिटर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ से अपने मोड को चेंज करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, कॉल पिक ड्रॉप और वॉइस कमांड का जो फंक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा, और कुछ इस तरह की इसकी कंप्लीट सिस्टम है। बात कर लूँ इसके मीटर के बारे में, सो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की जो स्क्रीन है वो सामने को देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको फ्यूल गेज शो कर रही है, और साथ ही आपको राइट साइड में आपकी जो टेम्परेचर गेज है डिजिटली वो वहाँ पे शो कर रही है, रेंज आपको शो करती है, आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बात कर ले इसकी स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन की, सो कुछ इस तरह की स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन मिलती है, और बेसिक अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड की जाती है, इसमें एक स्टीयरिंग कवर जो है वो लगाया गया है अगेन एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी। और हॉर्न की मैं बात कर लूँ सो कुछ इस तरह की हॉर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के बारे में, सो यहाँ पे आपको टिल्ट फंक्शन जो है नीचे ऊपर या नीचे करने का फंक्शन, हाइट को एडजस्ट करने का वो मिल जाता है।
बट अगर आप लेंथ को सामने की तरफ लाना चाहते हैं, वो वाला फंक्शन इस पे देखने को नहीं मिलता है। सो ये हैं कुछ इसके फ्रंट इंटीरियर्स, और इस तरह के दिखते हैं इसे कंप्लीट डैशबोर्ड प्रोफाइल। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको डैशबोर्ड मटेरियल देखने को मिलता है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, क्वालिटी अच्छी है। अननेसेसरी पैनल गैप्स अगेन आपको नहीं दिखेंगे, हल्के फुल्के यहाँ पे जो है वो आपको पैनल गैप्स थोड़े बहुत दिख जाएंगे, अगर आप इस साइड नोटिस कर पाइएगा तो हल्के फुल्के जो पैनल गैप्स हैं वो कहीं कहीं दिखेंगे। बट प्लास्टिक क्वालिटी ओवरऑल ठीक है, अच्छी यूज़ की गई है, ज़्यादा शिकायतें नहीं है उससे। ग्लव बॉक्स में बताना भूल गया था, ग्लव बॉक्स में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाएगा। यहाँ माइक की आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, और कंप्लीट व्यू की बात करें ड्राइवर सीट से, तो कुछ इस तरह की कंप्लीट व्यू जो है वो आपको मिलती है, कंप्लीट बोनट का जो व्यू है वो आपको मिल जाता है। सो अच्छा एक एसयूवी स्टैंड जो है वो आपको ब्रेज़ा के अंदर मिलने वाला है। सो अंदर से सिर्फ इतना ही, चलिए चलते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो बात कर लें इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। सो यहाँ पर आपको ऑफर की जाती है सिर्फ एक इंजन जो है 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर डुअल जेट डुअल बीवीटी पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करती है 101.64 PS ऑफ पावर एंड 136 Nm ऑफ टॉर्क। और मैं माइलेज के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे आपको 20+ किलोमीटर पर लीटर का जो माइलेज है वो आप मैनुअल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कंपनी क्लीन माइलेज है। एंड अगर हम बात करें रियल लाइफ माइलेज को, 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर की जो माइलेज है वो आप इजीली यहाँ से ब्रेज़ा के थ्रू निकाल सकते हैं। बात कर लें इसकी फिट एंड फर्निशिंग के बारे में, तो सबसे पहले आपको ऊपर इंसुलेशन मटेरियल जो है वो देखने को मिल जाता है, साथ ही पीछे की तरफ भी अगर आप देखें यहाँ पर भी जो इंसुलेशन मटेरियल है वो प्रोवाइड आपको कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ब्रेक फ्लूड मिल जाती है, यहाँ पर आपको वाइपर वॉशर लिक्विड जो है वो प्रेजेंट मिलती है, और कुछ इस तरह से मिलती है आपको इसकी 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट इसकी प्लेसिंग की गई है, और इतना कुछ स्पेस यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आपको बैटरी की प्लेसिंग मिल जाती है, बैटरी कवर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको मिल जाती है फ्यूज़ बॉक्स, और अगर कंप्लीट इंजन प्रोफाइल की बारे में बात कर ले तो ये है 1.5 लीटर डुअल जेट डुअल वीवीटी पेट्रोल इंजन। सो वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और जानते हैं क्या ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं मारुति ब्रेज़ा के अंदर में। सारे वेरिएंट्स में जो ऑफर्स हैं उन सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे, और खासकर इस वेरिएंट में आपको क्या ऑफर्स मिलते हैं उन बारे भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा RM ऑफ स्पर्श ऑटोमोबाइल्स मिस्टर हेमंत जी। सो हेमंत जी प्लीज़ फ्रेम में आइए। थैंक यू सर। सो हेमंत जी RM है स्पर्श ऑटोमोबाइल्स में, सो इफ़ यू वांट एनी मारुति कार यू कैन कॉन्टैक्ट फॉर द बेटर डील्स। और बात करेंगे क्या ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिले, हेमंत जी प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं क्या ऑफर्स मिले। सर जैसे ये देखेंगे ये ब्रेज़ा है ना, इसमें आपको मिलेगा अप टू 30,000 का डिस्काउंट मिल रहा है ना, कंपनी जो प्रोवाइड करा रही है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करेंगे तो इसमें आपको 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा है ना, और साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें आप एक अरबानो किट का वो चल रहा है, तो इसमें आप ये पर्टिकुलर इस वेरिएंट में देखेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 18,500 का किट आपको मिलेगा, सिर्फ 3,500 रुपये में आपको मिलेगा। में क्या जी सर, उसमें एक किट में रहेगा आपका फोग लैंप रहेगा, फोग लैंप गार्निश रहेगा है ना, आपका पीछे कैमरा आ जाएगा, साइड मोल्डिंग आ जाएगा, और आपका सनशील्ड आ जाएगा, अंदर का जो डेस्क बोर्ड में रहता है वो स्टाइलिंग किट आ जाएगा सर। स्टाइलिंग किट जी सर, ये सारा चीज़ उसमें इंक्लूड है। ओनली हमने इसमें देखा जो वुडन ट्रीटमेंट लगा हुआ है वो स्टाइलिंग किट, स्टाइलिंग किट जी जी सर उसमें आ जाएगा। और इसी के नीचे वेरिएंट जाएंगे LXi में, उसमें आपको 42,000 का किट मिलेगा, और उसको आपको पे सिर्फ करना है, सिर्फ आपको 15,000 पे करना है। उसमें सारा चीज़ म्यूजिक सिस्टम वगैरह कैमरा वगैरह सारा चीज़ फोग लैम्प के साथ सारा चीज़ आपको सारा इंस्टॉलमेंट करवाया जाएगा। और अपर वेट जाते सर, उसमें अपर वेट में क्या वो ऑलरेडी उसमें सारा चीज़ लग के फिटेड आती है, तो उसमें कुछ अपडेट नहीं है, उसमें सिर्फ डिस्काउंट है। जैसा 10,000 अभी जो क्या बोलते कंपनी जो ऑफर दे रही हो, और जैसा बुकिंग कराते हैं तो 15,000 का और डिस्काउंट, और जैसा एक्सचेंज कोई गाड़ी कर रहे हैं पुरानी गाड़ी तो उसमें 15,000 का ऑलरेडी ऑफर जो है वो अभी फेस्टिव तक है या फिर ऑल ओवर द ईयर अभी आप ऑफर्स मिलने वाले अब या में भी कुछ टाइम पीरियड इनका फिक्स है? नहीं, इसका ऐसा कोई टाइम तो फिक्स नहीं है सर, अभी पिछले टाइम भी थी और अभी भी है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि अगले और आगे रहेगा नहीं रहेगा, वो कंपनी डिसाइड करेगी। मे बी मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हो सकता है कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि देखिए सर मार्केट में कोई भी चीज़ ला रहे हैं, गाड़ी का सेल आउट बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल से कंपनी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि इसका सेल आउट बढ़ते ही जा रहा है करके। ठीक है सर, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। ठीक, ओके, थैंक। सो ये थी वॉकराउंड रिव्यू कंप्लीट मारुति सुजुकी ब्रेज़ा की VXi वेरिएंट के बारे में। जितने भी ऑफर्स थे हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए, सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते जल्द एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। आप पे क्या ओपिनियन है उन्हें भी मेंशन कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में, और अगर आप इस कार को लेने की सोच रहे हैं तो हमें बताएं ज़रूर। मिलते जल्द एक नई फ्रेश वीडियो के अंदर, टिल देन ऑलवेज ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट्स। दिस इज़ वारन साइनिंग ऑफ।